हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिली पनीर की रेसिपी, जो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही यमी होता है और बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से ही हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ली है, जिसको मैंने लंबे लंबे आकार में पतला काट लिया है। यहाँ पर पनीर लिया है, इसको भी काट लिया है। यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने दो ली थी और यहाँ पर 150 ग्राम पनीर है। प्याज है, जिसको लंबा पतला काट लिया है। यहाँ पर हरी मिर्च ली है और अदरक का पेस्ट लिया है और घर के बेसिक मसाले लिए हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन को हम गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले इसमें हम हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इसको 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक और हरी मिर्ची अच्छे से पक जाए। यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची पक चुकी है। अब इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन खत्म करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए, शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें हम 1 पाउच मैगी मसाले का डालेंगे। इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, खाने में बहुत ही यम्मी सा लगता है। जैसे आप रेस्टोरेंट या ढाबे में खाते हो, वैसा ही टेस्ट आता है। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। अब इसमें हम थोड़ी सी सोया सॉस डाल देंगे, इससे इसे कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। अब सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें पनीर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर 1 से 1.5 मिनट तक मसालों में पका लेंगे। तो हमारा चिली चीज बनकर रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी चिली चीज की बहुत ही यमी सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। पराठों के साथ आप इसको खाओगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपको मजा आएगा खाने में। बहुत ही यमी सा बना है और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ट्राई करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।